फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग ना सुबह सुबह रेडी होके जा रहे हैं। वंदे वंदे वंदे। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे पम्मी मिली है। पम्मी कहाँ जा रही थी आरोग्य से? मैं कहीं। क्या था तेरा डांस? अच्छी लग रही है। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे से। और आज है सावन का पांचवा सोमवार। और कल ना हम लोग भलागांव जा रहे थे, आप लोग मेरे प्रीवियस व्लॉग में देख चुके होंगे। तो वहाँ के उससे ना हमारा काफी हेडेक हो गया था, तो हम लोग अभी उठ रहे हैं मॉर्निंग में। और आज हम लोग का प्लान है भविष्य बद्री जाने का, तो अभी देखते हैं अगर मौसम ठीक रहा यहाँ पे तो हम लोग जाएंगे भविष्य बद्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए हैं, और हम लोग का प्लान तो बना भविष्य बद्री का था, बट क्या हो गया कि आज हमारे यहाँ ना काफी हैवी रेनफॉल हो गई, उस वजह से मतलब रोड वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं रास्ते में भी, मतलब बीच बीच में डर रहता है ना बारिश के टाइम, तो हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। हम लोग आज देखते हैं अपने यही फिर से पड़ोस में, तो हम यही बगल पे शिवालय मंदिर में जा रहे हैं जहाँ हम परसों गए थे। तो फिर कभी जाएंगे भविष्य बद्री तो आप लोग को तब दिखाऊंगी। और मेरी मम्मी तो तैयार हो, मेरी मम्मी तो साड़ी सूड़ी पहन के रेडी हो गई थी। हाय गुड मॉर्निंग, हम आज लास्ट सावन के सोमवार के व्रत के लिए यही बगल पे जा रहे हैं। आज कल रात से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वही तो मेरी मम्मी का तो प्लान नीति का था ना, चारों तरफ बंद हो गया है, इसलिए हम आज बगल पे मंदिर में जा रहे हैं। जान तो नीति था मम्मी ने, नीति भी घूम के आ गई सपने में, सपने में घूम के आ गए कल पे सर जुम्मा। मेरी मम्मी का प्लान रोज कैंसिल हो रहा गाइस, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है। आप लोग को मौसम दिखाती हूँ, बाहर कुछ दिख नहीं रहा तो गाड़ी भी कैसे ले जानी है, ऐसे में रोड खराब होती है ना, तो यहीं पे जाते हैं बगल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मंदिर जाने के लिए निकलने लग गए हैं, और बारिश आ रही तो सर पे रख के जाती हूँ। छाता भी ले लिया मम्मी? कहाँ से छाता? तो फ्रेंड्स मेरा तो रोज, हाँ मिल्ली के लिए ला लो, मिल्ली के ले लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बारिश आ रही तो मैंने सर पे रख लिया, और आज मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई, मुझे हंसी आ रही है खुद पे, पर कोई बात नहीं, आज लास्ट सोमवार है ना, तो मम्मी लोग संग घूमने जा रही हूँ यहीं पड़ोस के मंदिर। मिल्ली भी जा रही है अपने दादी के साथ, दादी के साथ। इसमें शरारा पहना था लेकिन ना इसका शरारा भी ढीला हो रहा था इस पे, इसलिए बाद में पहना है ना, तो चलते हैं। और यहाँ पीछे मौसम की तो खतरनाक हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे तो लगने लग गई है भूख, क्योंकि हम लोग ना अभी टाइम कितना हो रहा, 8 बजे से सोच रहे हैं मंदिर जाएंगे, पर कुछ हमारा फिक्स नहीं हुआ, तो अभी 10:30 हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी जा रहे पड़ोस के मंदिर में, और भविष्य बद्री अब शायद किसी और दिन जाएंगे। मेरा तो रोज ही प्लान कैंसिल कर रही है ये बारिश, तो बाद में चलते हैं। अभी फिलहाल मम्मी लोग भी आने लगे हैं, तो चलते हैं यही के शिवालय मंदिर में। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं शिवालय मंदिर के पास में, और ये पीछे में यहाँ पे शिवालय मंदिर। इस महीने दोनों मैं इतने शिवालय मंदिर जा चुकी हूँ, मतलब इस महीने मेरी छुट्टी है, तो मैं रेगुलर सारे शिवालय मंदिर, यहाँ के मैंने सारे शिवालय मंदिरों के दर्शन कर लिए, तो चलते हैं। कोहरा लगा हुआ है गाइस यहाँ पूरा। वाले मंदिर से आके अभी ऊपर वाले मंदिर में है, और मैंने ऊपर से मेहंदी लगाई थी, इसका कलर भी आ गया बहुत अच्छा। तो हम लोगों की बन गई यहाँ पे गोभी की सब्जी, चाय और रोटी बना दी मैंने। मिली जय हिंद, जय हिंद बोलो, कैसे का पप्पू जय। तो आज पापा का फास्ट है, तो हम लोग बना रहे पूरी और सूजी बन चुकी है, और थोड़ी देर में बनाएंगे हम किसकी सब्जी है, अरबी पिंडालू। तो यहाँ पे भाभी ने बना दिया पूरियां, और अभी मैं बनाऊंगी पनीर और मटर पनीर बनाऊंगी। अरबी पिंडालू बनाए भाभी? हम बनाएंगे अभी अरबी और पिंडालू की थोड़ी सी सब्जी पूजा करने के लिए। प्रसाद वगैरह सब बना लिया पूजा करने के लिए, और अब बना रहे हैं हम सब्जी। तो फ्रेंड्स अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग करने छत पे, छोटे छोटे बच्चे भी। मिली कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? सेकंड ओके, नहीं इसका सेकंड है पापा, 2 साल की होगी। नहीं बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, नहीं पलटाओ जैसे दादी ने बोला, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पापा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो आ जाओ, चलो मिली छत पे, हम लोग फ्लैग लगाने जाएंगे, आ जाओ।
तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी मॉर्निंग में, और अभी सुबह के बज रहे हैं, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। और अभी हम लोग आज कर रहे हैं फ्लैग होस्टिंग, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज ना हम लोगों का प्लान फिर से कहीं घूमने जाने का था, पर हम लोग कहीं जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ बहुत रेनफॉल, हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है और जगह जगह बादल वगैरह फट रहे, तो हम लोग कहीं गए नहीं। बाकी हमारा प्लान था दुम्फुधार जाने का, जो कि यहाँ से जो कि मतलब बॉर्डर एरिया में फर्स्ट विलेज है और वहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो वहाँ जाने का प्लान था पर वहाँ गए नहीं। तो हम लोग अभी अपने छत पे फ्लैग होस्टिंग कर फ्लैग लगाने जा रहे हैं, और बाद हम लोग जाएंगे अपने जोशीमठ में ही, जहाँ पे 15 अगस्त सेलिब्रेट होता है वहाँ चलते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से छत पे इंडिपेंडेंस डे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम आप लोग देख सकते हो, ऐसे पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है, आसपास में हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है, लोगों के घर दिख रहे होंगे और बाकी है। तो मम्मी ऐसे में घूमने भी कैसे जाना। फ्रेंड्स हम लोग लगा रहे हैं अपने घर के छत पे फ्लैग, और आप लोग पीछे व्यू देख सकते हो पूरा कितना कोरा कोरा लगा हुआ है। तो ऐसे में हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, तो यहीं पे बांधते हैं अपना फ्लैग। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुबह सुबह लगा दिया फ्लैग। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े, और मैंने यहाँ पे ब्रेड में आलू डाल दिए, बेसन का घोल बना दिया। तो मम्मी बना रही है अभी ब्रेड पकौड़े और मैंने डुबा दिया है ये। तो यहाँ पे नाश्ता बन चुका है, और पापा नाश्ता ये लीजिए, स्टूल। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग ना सुबह सुबह रेडी होके जा रहे हैं, हमारे गांव के आंटी लोग हैं उनके यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम है। पर मैं आज मैं ब्लैक सूट पहन रही थी, पर मम्मी ने कहा आज ब्लैक मत पहन, तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन था इसलिए मैंने ये पहना। और अपनी मम्मी लोग को दिखाती हूँ, मल्ला भाभी और मम्मी। मल्ला भाभी हाय। तो हाँ मल्ला भाभी, और ये है मेरी मम्मी। तो आंटी लोग यहाँ पे हैं, आंटी नमस्ते। जेपी फील्ड और हमारे यहाँ के प्रोग्राम ना, यहाँ पर अभी सबके सब रेडी होके आ रहे हैं। और ना हाय, बहुत प्यारी लग रही। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन चल रही है। और सर नमस्ते। और इस एरिया में ना आज सिर्फ मार्च पास होगा, तो सारे स्कूल के बच्चे यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, लाइन पे लग गए हैं और काफी ज्यादा क्राउड आ चुका है। ये सारे स्कूल की लड़कियाँ क्यों ये हम है। अच्छा यहाँ पे मुझे पम्मी मिली है। पम्मी कहाँ जा रही थी आरोग्य से? मैं कहीं। क्या था तेरा डांस? अच्छी लग रही है, बहुत प्रीटी। पम्मी के नखरे। किसी ने नहीं करा।